दोस्तों ये वही जगह है जहाँ किसी जमाने में आमिर खान रानी मुखर्जी को लेके आना चाहता था, पर रानी मुखर्जी बिचारी कंफ्यूज थी कि वो यहाँ आके करेगी क्या। जी हाँ दोस्तों, आज इस सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि हम आपको आज बताएंगे कि क्या करोगे आप आके खंडाला। हमारी सफर की शुरुआत होती है अपना पुणे स्टेशन से। अरे बंद क्यों कर रहे हो यार, मैं पीछे हूँ, दिख नहीं रहा क्या? पर हमारी लड़कियाँ थोड़ी नाराज लग रही थी, क्योंकि हमें जो सीट्स मिली थी वो एक साथ नहीं थी। पहली सीट इधर, दूसरी उधर, तीसरी इधर। भाई सुन ना, तू इधर आना, मुझे उधर बैठना है। ओके चल आ जा, इतना तो कर ही सकता हूँ। भाई तेरा पचका हो गया, उस सीट में चूहे ने टट्टी करी थी। अबे क्या बात कर रही, हे भगवान, अब ट्वीट करना पड़ेगा इंडियन रेलवे को, #हैशटैग चूहे की टट्टी इन प्रगति एक्सप्रेस, प्लीज हेल्प। दोस्तों इन लड़कियों को कैसे बताऊं कि मैंने जानबूझ के ऐसे अलग अलग सीट ली है, ताकि एक घंटा कम से कम इन मुसीबतों से दूर रह सकूं और चैन की नींद सो सकूं। चलो दोस्तों अब डायरेक्ट आपको मिलते हैं हम लोनावला स्टेशन में। लोनावला में आपका स्वागत है। स्टेशन पहुंचते ही हमने देखा कुछ लोग यहाँ मौत को चुनौती दे रहे थे। पूरे एनर्जी के साथ हम लोनावला पहुंच जाते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि आज बहुत धूम मचने वाला है। स्टेशन के बाहर आते ही आपको साइट सीन करवाने वाले कैब और ऑटो वाले नजर आ जाएंगे। क्योंकि ये पीक सीजन था इसलिए हमको ये थोड़ा महंगा गिरा। हमने ये ऑटो 1500 में बुक किया। ये ऑटो वाले भैया जो कि ड्राइवर प्लस एक गाइड का भी काम करेंगे, हमारे साथ अगले 5 से 6 घंटे तक रहने वाले हैं और सारे साइट्स हमको विजिट करवाएंगे। भूसी डैम से ठीक पहले एक ब्रिज पड़ेगा जहां आपको उठ के सेल्फी लेना पड़ेगा। सो दोस्तों ये लड़कियां जिनके दिमाग में पहले से भूसा भरा पड़ा है, इनको लेके मैं भूसी डैम आ गया। अबे लड़की यहाँ तेरे ये हजारों के जूते काम ना आने वाले, गल जाएगा पानी में। यहाँ 50 रुपए के इन हवाई चप्पलों का राज चलता है बस, जो कि 30 रुपए में भाड़े में मिल जाएगा। क्या भैया कुछ अच्छा दिखाइए ना, वो पिंक कलर वाला दीजिए ना। अरे पागल हो क्या तुम, ये चप्पल वापस देना है इनको। गाइस बारिश हो रही थी तो हमने इसलिए 200 रुपए में रेनकोट खरीद लिया। देखो भाई कैसे पहन के सड़ा हुआ टमाटर लग रहा है। गाइस आगे बहुत मजा आने वाला है, वीडियो का लाइक का बटन दबा दो फटाफट। अंदर घुसते ही आपको पहला पड़ाव मिलेगा, आपको इस गहरी नदी को पार करना पड़ेगा। अरे बहन बहुत बड़ा पत्थर है आगे, संभाल के। टेंशन मत ले भाई, तेरी बहन निकल जाएगी। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। क्या पड़ाव पड़ाव लगा रखा है, मुझे भूख लगी है। ओके गाइस एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, अगर हमारी मैडम भाजी नहीं खाएगी तो मेरा भेजा खा जाएगी। दोस्तों यहाँ कांदा भाजी सोने की भाव में बिकते हैं, पर टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है। लो भाभी एक और खा लो। अबे वो भाभी की ननंद, मेरे को भी दे। अबे ए, पैसे मैंने दिए हैं। मेरी बीवी मेरे पैसों की भाजी खा के चुपचाप आगे निकल गई। तेरी बहन अभी जिंदा है रे, जाने दे भाभी को। दोस्तों मेरी बहन कितनी दयालु है। अबे हाथ क्यों छोड़ दिया? ये मेरा चाल था तुझे पानी में लाने का। तू नारी नहीं पिशाचिनी है। इसको देखो, शादी के दिन 7 जीने मरने की कसम खाई थी, अभी देखो मुझे अकेला करके आ गई। आपने 7 दिन पहले क्या लंच किया था याद है क्या? नहीं तो इतनी पुरानी बात मुझे कैसे याद रहेगी। Guys, follow me, come on! इसे क्या हो गया? अरे क्या ढूंढ रही है? अरे 2 रुपए का सिक्का जैसा कुछ दिख रहा था। हे भगवान कैसे चिंदी लोगों से मेरा पाला पड़ गया यार। फाइनली हम डैम में पहुंच जाते हैं, और ये क्या, यहाँ आते ही हमारी लड़कियाँ अपना आपा खो देती है, पागल हो जाती है दोनों। चलो भाभी पोटी करते हैं। चलो भागो रे। सब भागे। मुझको याद चताए तेरी, हाय हाय याद चताए तेरी। भाई लगता है चड्डी में मछली घुस गई। अरे ठीक है ना, घर जाके मस्त पका के खाएंगे। अरे दोस्तों जल्दी मुझे मेरी बीवी को नीचे लाना होगा, वरना जैसी हरकतें ये कर रही है पीछे वाली आंटी धक्का मार के इसको नीचे गिराएंगी। ये लो आंटी तो प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। अबे जल्दी चलो वरना आंटी पुलिस बुला लेगी। चलो भूसी डैम का सफर इतना तक ही था, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हमें ये चप्पल वापस करना पड़ेगा। सो दोस्तों फाइनली हम टाइगर पॉइंट की तरफ निकल पड़ते हैं, और हम तीनों का वजन इतना हो गया था कि ऑटो तो आगे चढ़ाई चढ़ ही नहीं पा रहा था। यार कितनी बार बोला है बीवी को कम खाया करो यार। कम खाती मैं तो जाओ दोनों। फाइनली हमारी गाड़ी बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आंखों की शक्ति कमजोर हो रही थी। बादलों के बीच ऐसे गिर चुके थे हम कि सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ ड्राइविंग करना सबसे खतरनाक माना जाता है, थोड़ी सी नजर हटी की दूर। दोस्तों जैसे तैसे हम टाइगर पॉइंट में पहुंच तो गए, पर अभी प्रॉब्लम यह है कि मुझे जोर से सूसू लगी है, पर इतने सारे लोगों के बीच ये कारनामा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था। अबे ये क्या है बे, लगता है आसमानी अमृत है, आसमान से नीचे आया होगा और किसी ने पूरा गटक लिया। What? फिर मैंने नोटिस किया हमारी बीवी और बहन अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। अच्छा अब समझ में आया कि वो आसमानी अमृत किसने पिया है।
अरे दोस्तों, आप कुछ वायरल वीडियोस देखे ही होंगे, यहाँ से हम जो भी चीज नीचे फेंकते हैं वो वापस आ जाता है। अभी आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। अरे मैडम, अपना पर्स देना। ए, चल रहे पागल है क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, ये वापस आ जाएगा। ना ना ना। अरे समझा इसको यार, खुद कूद जाओ ना, देखते हैं तुम वापस आते हैं कि नहीं। अरे दो यार, अपने पति पे इतना तो भरोसा कर सकते हो यार। तो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने ये डेमो दिखाने जा रहा हूँ, अपनी बीवी का ये पर्स और मोबाइल इन पहाड़ों से नीचे फेंकने वाला हूँ, और देखिए कैसे ये वापस आता है हमारे पास। 1 2 3 गो। ओह नो। अरे अभी तक तो वापस आ जाना चाहिए था रे। अरे कब आएगा? अरे आएगा आएगा, रस्ते में होगा। मेरा पर्स मेरे को वापस चाहिए, उसमें मेरे मेकअप के सामान। अरे ऐसे रो मत यार, बहुत बदसूरत लगते हो। अरे बहन गड़बड़ हो गई, चल भाग लेते हैं इधर से। अरे मेरा पर्स। अरे अरे एक काम करो, इधर खड़े रहो और सामने देखते रहो, उधर से नजर हटनी नहीं चाहिए हा? वरना कोई और लेके चले जाएगा। चल चल बहन, जल्दी चल। दोस्तों घंटों से मैंने सुसु रोका हुआ है, अब कंट्रोल नहीं होता यार, मुझे जाना हो गया। रुको मैं आता सुसु करके। मैं भी आऊंगी। अबे मैं घूमने नहीं जा रहा। फिर से बोलोगे, हर कदम साथ नहीं देती है मैं आपका। चल भाग यहाँ से। कहाँ फंस गई मैं भगवान? आहा, मजा आ गया यार बादलों में सुसु करके। अरे तुम्हें पता है क्या, इधर खड़ा होके जो भी अपना नाम पुकारता है ना, उसका नाम पहाड़ों से टकरा के वापस सुनाई देती है। तुम्हें देखना है क्या? ठीक है रे, चल। चलो फिर उधर खड़े होके अपना नाम चिल्ला के बोलो। सागरिका। चुड़े चुड़े। अबे इसको कैसे पता चला तेरे बारे में? ये सब बकवास है, चल भाग। चलो अब आपकी बारी, आ जाओ। चल भाई अब तेरी बारी, शुरू हो जा। सिद्धी गधा गधा गधा। अरे भैया इतना च्युइंगम मत चबाओ, दांत बाहर आ चुके आपके। okay. बहुत भीग लिया गाइस, अभी अगली मंजिल को निकलते हैं। फिर हम पहुंच गए सुनील स्वैक्स म्यूजियम में। सलमान भाई, अरे मर गया। अरे तरस गया था आपसे मिलने के लिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार सलमान भाई से मिल लिया मैंने। अरे भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? करीना दीदी ज्यादा मेकअप हो गया है क्या? अगर पसंद नहीं तो मत देखो ना, मैंने बोला है क्या देखने को? अरे अमित जी, सलमान भाई की एक्स कैसी है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, घटनास्थल। अरे कोई बताएगा हो क्या रहा इधर? दोस्तों फाइनली हमारा सफर खत्म होता है आके खंडाला में। जितना हमने फिल्मों में देखा था, असल में ये उससे कई ज्यादा खूबसूरत था। इस माहौल में हम ऐसे खो गए थे कि हमारी बीवी घर लौटना ही नहीं चाहती थी। जैसे तैसे करके हम वापस पुणे की ओर निकल पड़ते हैं। तो गाइस आज का सफर यहीं तक था, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार। ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।